वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। देश में लॉकडाउन अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में खुद इसका ऐलान किया। हालांकि उन्होंने 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में छूट देने की बात भी कही। ऐसे में सवाल पूछे जाने लगे कि ट्रेनें कब से चलेंगी, बसें कब चलेंगी, फ्लाइट कब से उड़ेंगी, लोग कब आ और जा सकेंगे, आईपीएल होगा या नहीं। इन्हीं बड़े सवालों के जवाब हम लेकर आए हैं इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही पहला सवाल सामने आया जो भारतीय रेलवे से जुड़ा था। दरअसल मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि ट्रेनें 15 अप्रैल से चल सकती हैं। इसके लिए रेलवे ने पूरे देश को 3 जोन में बांट दिया है। वहीं तमाम नियम व शर्तें भी तय कर ली हैं। लेकिन रेलवे ने अब स्पष्ट कर दिया है कि 3 मई तक कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। रेलवे भी 3 मई तक लॉकडाउन का पालन करेगा। यदि आपने इस दौरान टिकट कराया था तो रेलवे ने आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। रेलवे ने 3 मई तक के टिकट बुक कराने वाले यात्रियों से कहा है कि ऑनलाइन रिजर्वेशन कराने वालों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यात्रा की तारीख पर खुद ही टिकट कैंसिल हो जाएगा और अगले ही कुछ दिनों में टिकट की पूरी रकम रिफंड हो जाएगी। ट्रेन रद्द होने के मामले में रेलवे कोई शुल्क नहीं काटता है। अगर आपने काउंटर से रेल टिकट ले रखा है तो आपको 21 जून तक रिफंड मिल जाएगा। इसके अलावा अगली सूचना तक ट्रेनों में रिजर्वेशन को निलंबित कर दिया गया है। रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC ने इसकी सूचना अपनी वेबसाइट पर भी दी है। बता दें कि रेलवे अपने कंट्रोल ऑफिस, 4 कम्युनिकेशंस और फीडबैक प्लेटफॉर्म्स जैसे हेल्पलाइन 139, 138, ऐप, ट्विटर और ईमेल railmadad@rb.railnet.gov.in 24/7 निगरानी कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी जगह से आप अपने हर सवाल का जवाब ले सकते हैं। ट्रेनों की तरह 15 अप्रैल से बसों के चलने की भी खबर थी, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के साथ साथ ही बसों के चक्के भी थम गए हैं। दरअसल अब 3 मई तक बसें भी नहीं चलेंगी। पीएम मोदी के निर्देशानुसार पूरे देश में 3 मई तक सख्त लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। इसके तहत आवागमन के सभी साधन नहीं चल सकेंगे। लॉकडाउन बढ़ने के चलते अब फ्लाइट सेवा भी 3 मई तक के लिए बंद रहेंगी। ऐसे में सवाल है कि इस अवधि में जिन लोगों ने यात्रा की प्लानिंग की है या टिकट करा रखा है उनका क्या होगा, उन्हें रिफंड मिलेगा या नहीं। तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपने फ्लाइट का टिकट ले रखा है तो रिफंड के लिए आपको अपनी एयरलाइन कंपनी से संपर्क करना होगा। दरअसल एयरलाइन कंपनी ने अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। एयरलाइन कंपनियां टिकट कैंसिल के रिफंड को लेकर तरह तरह की स्कीम्स दे रही हैं। मसलन रिफंड लेने की जगह आप किसी रूट का टिकट ले सकते हैं। इसकी अवधि 1 साल की होगी। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी एयरलाइन कंपनी से संपर्क करें और उनसे रिफंड के बारे में पूरी जानकारी लें। पीएम मोदी ने 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में छूट देने की बात भी कही है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या उस दौरान लोगों को इधर उधर आने जाने की आजादी होगी। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उस दौरान सिर्फ जरूरी कामकाज करने दिया जाएगा। अगर उस इलाके में कोरोना फैलने की आशंका दोबारा बढ़ी तो छूट तुरंत खत्म कर दी जाएगी। देश में लॉकडाउन है लेकिन चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोग चार धाम की यात्रा कर सकेंगे। इसका जवाब भी है बिल्कुल नहीं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान मंदिरों के कपाट शुभ मुहूर्त में खोले जा सकते हैं, लेकिन भक्त भगवान के दर्शन कब तक कर सकेंगे इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। चार धाम की यात्रा को लेकर कोई भी फैसला केंद्र सरकार ही लेगी। बता दें कि 26-27 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। वहीं 29-30 अप्रैल को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही आईपीएल पर भी अटकलें लगने लगी हैं। बार बार पूछा जा रहा है कि क्या इस बार आईपीएल हो पाएगा। इस बारे में बीसीसीआई के सूत्रों ने अहम खबर दी है। इसके मुताबिक दुनिया की सबसे अमीर T20 क्रिकेट लीग आईपीएल को अगली सूचना तक के लिए रद्द कर दिया गया है। अब आईपीएल के भविष्य पर 3 मई के बाद ही फैसला किया जाएगा। इस रिपोर्ट में हमने आपको लॉकडाउन बढ़ने के बाद उठे तमाम सवालों के जवाब दिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।